एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम बात करते हैं अमिताभ रेखा की अनकही अनसुलझी लव स्टोरी के बारे में। जया के एक जवाब के बाद जाने कैसे जुदा हुई थी अमिताभ रेखा की राहें। अमिताभ बच्चन और रेखा दो ऐसे सितारे हैं जिन्हें पर्दे पर एक साथ देखना दर्शक बहुत बहुत पसंद करते थे। एक समय था जब ये हर फिल्म मेकर की पहली पसंद हुआ करते थे, इसलिए अधिकतर निर्माता निर्देशक इन्हें बतौर कपल अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। इतना ही नहीं, इनके अफेयर की खबरें भी लगातार चर्चा में रहती थी। बाद में ही दोनों की राय आखिर क्यों हो गई जुदा, चलिए जानते हैं। नीतू की शादी में सिंदूर लगाकर पहुंची भी थी रेखा। कहा तो ये भी जाता है जब रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच प्रेम प्रसंग की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपने करीबी दोस्त नीतू की शादी में सिंदूर लगाकर मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। बता दें, उस समय यह अफवाह आने लगी थी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था, उस शाम वह सीधे शूटिंग से सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वह उसे उतारना भूल गई थी। बता दें कि अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें आग की तरह फैल रही थी, तब भी अमिताभ बच्चन खामोश थे, लेकिन ये खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर पर खाने पर बुलाया था। तब रेखा को लगा था कि शायद वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएगी। इसके बावजूद रेखा अमिताभ बच्चन के घर जाती हैं। आपको बता दें, उस रात रेखा जया के घर पहुंची, उन्होंने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया, घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने उन्हें सिर्फ यह कहा कि मैं अमित जी को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएंगी। उनकी इस बात को सुनकर रेखा ने अपना रास्ता उसी दिन से बदल लिया। रेखा ने आखिरी बार अमिताभ के साथ सिलसिला फिल्म में एक साथ काम किया था। इस फिल्म के बाद से ही दोनों कभी भी साथ में नजर नहीं। लोगों का यह भी कहना है कि सिलसिला फिल्म अमिताभ रेखा और जया की असल ज़िंदगी की कहानी है। इस फिल्म के बाद रेखा और अमिताभ के बीच दूरियाँ आ गई। हालांकि अभी भी अमिताभ और रेखा की जोड़ी को दर्शक बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।